कोई न्यूज चैनल क्यों ये नहीं पूछ रहा कि आखिरकार ये पैसा क्यों और कौन खर्च कर रहा है। बागी विधायकों के नेता दीपक को आप रोज तमाम न्यूज चैनल्स पर बागियों का पक्ष रखते हुए, हर चैनल पर अपनी बात रखते हुए आप देखते और सुनते होंगे, लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल के एंकर ने यह पूछा कि यह पैसा कौन खर्च कर रहा है जो होटल पर खर्च हो रहा है? अकेले अकेले मंत्री चार्टर्ड प्लेन में क्यों घूम रहे हैं? देखिए तस्वीर दिखाता हूं आपको और फिर उसके बाद होटल का खर्चा, हिसाब किताब, सब कुछ लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार कौन है एकनाथ का नाथ जो इतना पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन पहले देखिए यह तस्वीर। यह तस्वीर उदय सावंत की है, प्राइवेट प्लेन से सूरत से गुवाहाटी गए उच्च शिक्षा मंत्री, मुंबई से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, खुद फोटो खींचते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, उनके साथ उनके रणनीतिकार होते हैं। अब सवाल यही कि यह पैसा कौन खर्च कर रहा है? यह सवाल मीडिया नहीं पूछता जो पूछना चाहिए। खैर वो क्यों नहीं पूछता वो आप जानते हैं। वैसे तो कई बागी विधायक अरबपति हैं, जिसमें से एक आपके सामने प्रताप सरनायक, जिन पर ईडी लगी, पीछे उनके ईडी लगती है और वो चिट्ठी लिखते हैं उद्धव ठाकरे को। क्या कहते वो चिट्ठी लिखते थे? चिट्ठी कहते ये लिखते थे कि आप मोदी जी के साथ शामिल हो जाइए, हमें बचाइए इन सब जांचों से। ये अरबपति हैं। इनके साथ साथ जानवी यादव, बताया जाता है कि इनके पति बहुत मालदार है, बहुत मालदार असामी है, उनके पीछे भी ईडी है, वो भी बागियों के गुट के बड़े मलाईदार नेताओं में से एक है, वो भी बागियों में मलाईदार विधायकों की जमात में आते हैं जो गुवाहाटी में रुके हुए हैं, बताया जाता है। यानी ये सब मालदार है, मगर मेरा सवाल ये कि क्या ये सब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं? अपनी जेब से ही खर्च हो रहा है। अब तस्वीर आपके सामने रखता हूं। सवाल ये कि इस होटल में 30 जून तक कोई रूम बुक क्यों नहीं है? आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रेडिसन ब्लू है, असम की राजधानी गुवाहाटी, मेरे पीछे गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू। यहां कुल मिलाकर 196 कमरे हैं इस होटल में और एक भी कमरा खाली नहीं है इस वक्त। 30 जून तक पूरा का पूरा होटल बुक हो जाता है क्योंकि शिवसेना के बागी नेता यहां रुके हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र की सरकार को संकट में डाल रहे तमाम बागी विधायक ऐशो आराम के साथ शिंदे गुट 50 विधायक ठहरने का दावा। करीब करीब 70 कमरे बागियों के लिए बुक हो जाते हैं, मगर सवाल यह कि इतने कमरे 30 तारीख तक बुक है तो इसका मतलब क्या? मेहमान नवाजी पर होने वाला खर्च कितना है और यह पैसा किसका है? दोस्तों यह सवाल आपके मन में भी उठता होगा, यह पैसा है किसका, कौन खर्च कर रहा है? क्या यह बागी विधायक अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं जो अरबपति भी हैं? होटल जो जून के महीने में एक कमरे का किराया, दोस्तों हमने टटोलने की कोशिश की, जून के महीने में एक कमरे का किराया था 6,000 से 7,000 रुपए के बीच। इस होटल की रेट लिस्ट हमने देखी और समझी तो आपके सामने हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ गए। ये इसलिए क्योंकि हिंदुत्व के पैरोकार बनकर लाखों खर्च कर रहे ये बागी विधायक, इनका खर्चा कौन ढो रहा है? होटल की वेबसाइट को चेक करने पर पता चला कि होटल का रेट क्या है। होटल का रेट, वो आंकड़े भी मैं अब आपके सामने रखूंगा। एक तारीख से होटल की रेट लिस्ट अब आपके सामने है क्योंकि 30 जून तक तो ये होटल बुक है। अब आगे कितने दिन तक ये बुक होगा ये कोई नहीं जानता। अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग भी होती है। अब ये रेट लिस्ट आपके सामने, और रेट लिस्ट में आप देखेंगे अलग अलग वेबसाइट से जब हमने टटोला तो रेट लिस्ट सामने निकल के आई 9,440 किसी की, तो किसी की 9,037, यानी इसी के आसपास बुकिंग रेट दिखाई देता है अगर आप बुक करवाएंगे रेडिसन ब्लू में। अलग अलग वेबसाइट की रेट लिस्ट
ये मैंने आपके सामने रखी, जो रेट लिस्ट जून में 6 से 7 हजार रुपए थी वो अब बढ़कर 9 हजार रुपए तक पहुंच गई। अब 5 स्टार होटल में आप रह रहे हैं तो लंच और डिनर का खर्चा भी अलग होगा। एक अनुमान के मुताबिक अलग से लंच और डिनर कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का प्रति व्यक्ति खर्चा होता है। सिर्फ ये खाने के खर्चे का जिक्र कर रहा हूं, इसमें पीने का खर्चा नहीं है। पीने का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पीने का खर्चा जोड़ दूं तो इसकी खर्च की सीमा कोई नहीं है। पीने का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, दोस्तों आपने भी वो वीडियो देखा होगा शिंदे साहब का, जिसमें तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। मैं नहीं जानता उसमें कितनी हकीकत है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे विधायक पीने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ हो भी सही, ये मैं नहीं जानता। अब यहां पर जो बैंकेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, दोस्तों ये बैंकेट हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम वही है जहां पर आप रोजाना बागी विधायकों के फोटो शूट देखते रहे, जहां पर मीटिंग्स होती हैं, बागी विधायकों को एक साथ इकट्ठा करके शिंदे संबोधित करते हैं, वो सब कुछ बुक है। आज 6 दिन होने को आए, अगले 3 दिन और, यानी 3 दिन और, 28, 29 और 30, हर रोज के हिसाब से इसके खर्चे को जोड़ दीजिए। तो हमने ये पाया कि मैं ये भी मान लूं कि 70 के 70 कमरे ही बुक हैं, सिर्फ 70 कमरे ही बुक हैं, तो भी ये खर्चा प्रतिदिन के हिसाब से 12 लाख रुपए बैठता है। और कमरे ज्यादा भी बुक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और फिर ये खर्चा 15 लाख के आसपास बैठ जाएगा। तो ये पेमेंट कौन कर रहा है, किसकी जेब से जा रहा है, कैश में जा रहा है, चेक दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड से पे हो रहा है, ये कौन कर रहा है? क्या ये सवाल हमारे देश की मीडिया पूछेगी? अब एक सवाल और, सवाल ये कि किसी भी होटल में आप जाते हैं तो बल्क बुकिंग कितने कमरे करवा सकते हैं, उसके भी अलग अलग होटल्स के अपने अपने नियम कायदे कानून हैं। होटल की बुकिंग में हमने ये पाया, जो देखा, ज्यादा से ज्यादा आप 9 से ज्यादा कमरे ऑनलाइन बुक नहीं करवा सकते हैं। तो सवाल ये कि आखिरकार ये होटल के कमरे बल्क बुकिंग किसने करवाई? हमने बड़ी संख्या में होटल के कमरे बुक होते हुए देखा, क्योंकि जब ये बागी बड़ी संख्या में सूरत से गुवाहाटी निकले थे बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन के साथ, उसके ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री इसी रेडिसन ब्लू में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रेडिसन ब्लू का मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं। हेमंत जी यहां मुआयना करके वो निकलते हैं, वहां बागी तुरंत होटल पहुंचते हैं, कुछ इंतजाम देखने गए थे क्या माननीय मुख्यमंत्री, या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गए थे? ये सवाल भी खड़ा होता है, मीडिया पूछेगी नहीं पूछेगी। अब आपके सामने बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे की कुंडली, क्योंकि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ही अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हो, इतने रईस, इतने पैसे वाले वो हो सकते हैं क्या? उनकी कुंडली देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी कुंडली क्या बताती है, राजनीतिक कुंडली। वो ये बताती है कि ऑटो चालक रहे 11वीं पास एकनाथ शिंदे के पास करीब 2019 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, 11 करोड़ 56 लाख के पास पास चल अचल संपत्ति है। इतना पैसा होने के बावजूद पति पत्नी पर 4.25 करोड़ का कर्जा भी है, मगर फिर शिंदे बॉस की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। फिर भी वाजिब है इन्हें आपकी और हमारी तरह दोस्तों ईएमआई की टेंशन तो होगी नहीं, ईएमआई की चिंता होगी नहीं। तो इन्होंने अपनी कंपनी को बेचा तो होगा नहीं, या फिर संपत्ति तो बेची नहीं होगी, या फिर एफडी तो तुड़वाई नहीं होगी, कि इन बागी विधायकों का खर्चा भैया एकनाथ के नाथ कौन है, यही तो हम पूछ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट और विधायकों के लिए जो हलफनामे हैं, विधायकों के हलफनामे, उसी आधार पर जो शिंदे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हें हलफनामे के आधार पर एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं कि आखिरकार इनके पास और इनके जैसे तमाम विधायकों के पास महाराष्ट्र में कितनी बंदूकें हैं। इनके पास 2 बंदूकें हैं, एक रिवॉल्वर है एकनाथ शिंदे के पास और एक पिस्टल है। महेश शिंदे के पास 25 लाख का पिस्टल है,
तानाजी सावंत के पास 50,000 का रिवॉल्वर है, प्रताप सरनायक के पास 6.5 लाख का रिवॉल्वर है। ये 10वीं पास है मगर 125 करोड़ की संपत्ति आसपास है इनकी। बालाजी के पास 58,000 का रिवॉल्वर है, गुलाब राव पाटिल के पास 58,000 का रिवॉल्वर है। आप कहेंगे ये बुकिंग के खर्चों की मैं बात कर रहा था, होटल के खर्चों की बात कर रहा था, ये एकाएक में हथियारों पर क्यों आ गया? ये बात इसलिए क्योंकि आपको याद होगा इस वक्त संजय राउत के बयान चर्चा में है। संजय राउत क्या कहते हैं? कहते हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आओगे तो चौपाटी में, जिसे हम हरगिज खारिज करते हैं कि ये धमकी भरे लहजे में जिस तरह से बातें की जा रही हैं, इसके मतलब क्या है? क्या ये जायज है? आप सत्ता में हैं और ये भाषा क्या उचित है? खैर ये सवाल नहीं है, इसलिए मैंने हथियारों का जिक्र किया था। वैसे हथियारों का नहीं, यहां मसला खर्चे का है, फंड का है, पैसे का है दोस्तों, करोड़ों के खेल का है। दावा तो ये तक किया गया कि 50-50 करोड़ रुपए में विधायकों का सौदा हुआ है, डील हुई है। और ये डील क्या वाकई में हुई है? क्या बिना खर्च के चार्टेड प्लेन बुक हो रहे हैं? अकेले अकेले विधायक जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, अकेले अकेले विधायक चार्टेड प्लेन से सूरत से गुवाहाटी कूच करते हैं। सूरत से क्यों? क्योंकि अपनी एजेंसी है शिवसेना की, इसलिए वो महाराष्ट्र से सड़क मार्ग से सूरत जाते हैं और फिर सूरत से गुवाहाटी चार्टेड प्लेन से। अब एक दर्जन विधायकों के पीछे ईडी है, तो क्या सरकार की सहयोगी है ईडी, केंद्र सरकार की, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? और अगर एक दर्जन विधायकों के पीछे ये ईडी है, जो ईडी इस वक्त काफी सक्रिय है, तो क्या जो एक दर्जन विधायक जिनके ऊपर ईडी बैठी हुई है, ईडी की जांच चल रही है, क्या वही ईडी गुवाहाटी में जाकर इन नेताओं से पूछताछ करेगी? सवाल बड़ा है दोस्तों, तभी मैंने कहा खेल क्या वाकई करोड़ों का है या अरबों का है? कौन कर रहा है ये फंडिंग? ये सवाल क्या देश की मीडिया पूछेगी दोस्तों? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।